फ्रेंड्स, होप यू डूइंग फाइन। माय नेम इज मेहुल सोलंकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग आईसाइट। पहलगाम की खूबसूरत वादियों में आज हमारा दूसरा दिन है और बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज हम विजिट करने वाले हैं एबीसी वैलीज, मतलब आरो वैली, बेताब वैली और चंदनवारी। और अभी जो मेरे पीछे आप एक खूबसूरत जगह देख रहे हो, खूबसूरत बैकग्राउंड है, ये है बेताब वैली। अभी हम डायरेक्टली बेताब वैली क्यों आए, इसकी एक डिफरेंट स्टोरी है, मैं आगे आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा, लेकिन चलिए अभी हम एक्सप्लोर करते हैं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल चुके थे एबीसी वैलीज विजिट करने। यहाँ पर टैक्सी यूनियन के व्हीकल थ्रू आप एबीसी वैलीज विजिट कर सकते हो या फिर आपका पर्सनल व्हीकल होना चाहिए। यहाँ पर टैक्सी के रेट फिक्स होते हैं, सो आप अपने हिसाब से टैक्सी हायर कर सकते हो। हमने इनोवा 2700 रुपये में हायर की थी। रास्ते में आ रहे खूबसूरत वादियों के नज़ारे देखते देखते हम पहुंच गए हमारे इस ट्रिप के फर्स्ट डेस्टिनेशन बेताब वैली। यहां पर एंट्री टिकट 100 रुपीज़ पर पर्सन है। बेताब वैली में एंटर होते ही आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां पर ये जो ब्रिज है, मेरे हिसाब से वो यहां का मेजर अट्रैक्शन है जहां आप बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफी कर सकते हो। अगर आपको लंच करना है या कुछ नाश्ता करना है तो उसकी भी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। लिदर रिवर के पास में बनी ये वैली सच में बहुत ही खूबसूरत है। तो जब हमने मॉर्निंग में जो टैक्सी बुक की करीबन 8 बजे अराउंड, तब आरो वैली बंद है ऐसा न्यूज़ हमें मिला था क्योंकि वहाँ पे कुछ रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लेकिन बाद में जब हमने टैक्सी बुक की तब पता चला कि शायद 10:30-11 बजे के बाद आरो वैली वो ओपन हो सकती है। तो हम रिटर्न में आरो वैली को कवर करेंगे, इसीलिए हम डायरेक्टली बेताब वैली आ चुके हैं और हम यहाँ पे बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, पास में रिवर है, आप देख रहे हो बड़े बड़े माउंटेन हैं और बहुत ही अच्छा एक गार्डन भी है यहाँ पे। तो चलिए वो भी एक्सप्लोर करते हैं। वैसे बेताब वैली का नाम कुछ और था, वो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं वॉइस ओवर में ज़रूर ऐड कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी और इसीलिए अब ये वैली बेताब वैली के नाम से जानी जाती है। बेताब वैली पहले हाजन वैली या हागन वैली के नाम से जानी जाती थी, लेकिन सनी देओल एंड अमृता सिंह की मूवी बेताब के बाद लोग इसे बेताब वैली के नाम से जानने लगे। यहाँ आने से पहले ये जगह विजिट करने के लिए हम भी बहुत बेताब थे, लेकिन यहाँ की खूबसूरती को देखकर हमारी बेताबी और इंतजार मुकम्मल हुआ ऐसा लग रहा था। तो चलिए देखते हैं यहाँ के कुछ एरियल व्यूज। देखो, हम जब बेताब वैली में एंटर हो रहे थे तब काफी सारे लोगों ने हमें पूछा था कि हॉर्स राइड कर लो, हम आपको वो व्यू पॉइंट दिखाएंगे, 6 व्यू पॉइंट दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन 1 घंटे का टाइम होता है यहाँ पे, तो उस हिसाब से हमने कुछ नहीं प्लान किया। हमने सोचा कि यहाँ वहाँ घूमेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और ये जो खूबसूरत नज़ारा है सराउंडिंग व्यू से उसको एंजॉय करेंगे। तो आप भी देख लो, अगर ऐसा कुछ है तो उस हिसाब से प्लान ज़रूर करना। देखो, बेताब वैली जब आप आ रहे हो कोई टैक्सी थ्रू, तो एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हर व्यू पॉइंट पे आपको सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अभी 1 घंटे में इतनी खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करना थोड़ा तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके आते हो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ तक भी आ सकते हो और जितना टाइम चाहो उतना स्पेंड कर सकते हो। हम यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग 9 बजे आ गए थे, तो अब जाके अच्छा लग रहा है कि हम अच्छा हुआ कि अर्ली मॉर्निंग आ गए। यहाँ पे बहुत ही क्राउड कम है, तो इसकी वजह से हम आराम से यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं और जो भी लोकेशन पर हम जाना चाहे वहाँ पे जा सकते हैं। अगर क्राउड ज़्यादा होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप भी ट्राई करो, अगर अर्ली मॉर्निंग आ सकते हो तो यू विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ दिस बेताब वैली। कश्मीर में आए हो और यहाँ की कश्मीरी कॉस्ट्यूम में फोटोज ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? और इसीलिए हमने यहाँ लोकल कॉस्ट्यूम में फोटो खिंचवाए और थोड़ी मस्ती भी की। लेकिन अगर आप भी ऐसे लोकल कॉस्ट्यूम में
फ़ोटो खिंचवाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से श्रीनगर में जो डल लेक है इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर इट, क्योंकि वहाँ आपको कॉस्ट्यूम में ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे और लोकेशन भी डल लेक ज़्यादा बेहतर होगा ऐसे फ़ोटोज़ के लिए। इसी के साथ हम आगे बढ़े वापस जाने के लिए, और जैसे आप देख रहे हो कितना क्राउड बढ़ चुका है। सो आप भी ट्राई करना जितना जल्दी हो सके यहाँ पे आना, वही बेहतर रहेगा ये बेताब वैली विजिट करने के लिए। बाद में हम आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, चंदनवारी। तो फाइनली हम एबीसी वैलीज के लास्ट पॉइंट चंदनवारी आ पहुंचे हैं, और ये वही जगह है जहां से पवित्र अमरनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है। थोड़ी इंक्वायरी करते हुए हमें ये पता चला कि यहां जो घोड़े सवारी होते हैं उसका 20,000 रुपीज़ लेते हैं, और आप पैदल भी जा सकते हैं। तो चलिए ये जो चंदनवारी है वहाँ पे कुछ प्लेसेस है विजिट करने के लिए, वो हम विजिट करते हैं। वैसे बहुत ही खूबसूरत जगह है जैसे कि आप देख पा रहे हो। चंदनवारी से अमरनाथ की मतलब अमरनाथ गुफा का डिस्टेंस 32 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ टूरिस्ट ज़्यादातर एक ग्लेशियर विजिट करने आते हैं। हमें भी पहलगाम में यहाँ ही स्नो मिली थी। ऐसा माना जाता है कि पहलगाम को पहले बेलगांव के नाम से जाना जाता था, क्योंकि भगवान शिव अमरनाथ केव जाने से पहले नंदी को यहाँ छोड़ गए थे और चंद्र को चंदनवाड़ी में छोड़ गए थे। तो हमारे ग्रुप में बाकी सारे जो लोग हैं वो वहाँ पीछे जो ग्लेशियर दिख रहा है वहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं, और मैं और अनाया यहाँ पे जो ये रिवर है उसका खूबसूरत जो नज़ारा है उसको एंजॉय कर रहे हैं। अनाया जो व्हाट अ ब्यूटीफुल रिवर। What a beautiful place! चंदनवाड़ी में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हम आगे बढ़े हमारे लास्ट डेस्टिनेशन की ओर, आरू वैली। यहाँ पर यूजुअली टूरिस्ट ज़्यादा होने की वजह से ऐसा ट्रैफिक आपको मिल सकता है, लेकिन रोड के आसपास में आ रहे खूबसूरत नज़ारों का कोई अंत नहीं। ऐसे ब्यूटीफुल एंड सीनिक व्यूज़ को देखते देखते हम पहुंच चुके थे आरू वैली। यहां बहुत सारे प्लेसेस है विजिट करने के लिए जो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, और यहां पे पैराग्लाइडिंग भी होती है। यहां पहुंचते ही हमें थोड़ी भूख लगी थी तो हमने यहां की आइसक्रीम ट्राई की, और उसके बाद हम आगे बढ़े आरू वैली विजिट करने। तो इस खूबसूरत जगह का नाम है आरू वैली। एबीसी वैली की जो लास्ट व्यू पॉइंट है वो है आरू वैली। हमारी जो आज के दिन की ट्रिप है उसका लास्ट डेस्टिनेशन है, और सच कहूँ तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पास में लीदर रिवर है, बड़े बड़े माउंटेन हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन जैसा बनाया हुआ है, और यहाँ पे हॉर्स राइड और कुछ एक्टिविटीज़ भी आप एंजॉय कर सकते हो। सच में बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, लेकिन एक ही मसला है कि एक घंटे का टाइम है, उसमें ही हमें जितना एंजॉय करना है उतना ही करना है, बाद में वापस जाना है। तो चलिए जल्दी से इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हम एंजॉय कर सकते हैं। देखो वहाँ पे एक रास्ता है और आपको कुछ लोग ट्रैकिंग करते भी दिख रहे होंगे, वहाँ आप टॉप पर जा सकते हो, या फिर ये जो रास्ता दिख रहा है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं वहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। जब भी नेक्स्ट टाइम आऊँगा आरू वैली में नाइट स्पेंड जरूर करूँगा, और वैसे भी यहाँ इंक्वायरी करते हुए मुझे पता चला कि यहाँ स्टे करना काफ़ी अफोर्डेबल है। 1500 रुपये में अच्छी रूम भी मिल जाती है। अगर आपको काला हुई ग्लेशियर या फिर तरसर मरसर लेक जाना हो तो आरू वैली ट्रैकर के लिए बेस कैंप है। कितनी खूबसूरत जगह है,
ऊपर वाले ने बहुत ही टाइम लेकर इसे बनाया होगा, लेकिन हम जैसे लोग थोड़े ही टाइम में इतनी खूबसूरत जगह को ऐसा बना देते हैं। और ये इतनी गंदी जगह, यहाँ पे एक नहीं बहुत सारी जगह पे ऐसे स्पॉट है जहाँ पे गंदगी की हुई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसी किसी भी जगह को जो बहुत ही खूबसूरत है, या फिर कोई भी जगह पे आप जा रहे हो, इसे गंदा मत कीजिए। डस्टबिन है या कुछ ऐसी जगह पे जो अरेंजमेंट है उसे यूज़ कीजिए, लेकिन गंदगी प्लीज़ मत कीजिए। एंजॉय कीजिए ब्यूटीफुल नेचर को। यहाँ पे आके आपको ऐसा ही लगेगा कि आप जन्नत में हैं, हेवन में हैं। और हम हेवन में क्यों जाते हैं? मेंटल पीस के लिए, हमारे टाइम को एंजॉय करने के लिए। ऐसी गंदी जगह देख के शायद किसी को अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज़ ऐसा कभी मत करिए। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद हम आगे बढ़े वापस पहलगाम जाने के लिए। लेकिन हमारे ग्रुप में से विशाल एंड अनुष्का हॉर्स राइड करते हुए आरू वैली, जो एक डिफरेंट लोकेशन है, वहां गए थे। और उनका चार्ज पर पर्सन 500 रुपीज़ हुआ था। उनके मुताबिक वो जगह काफ़ी सुंदर थी, जहां पे अक्सर कोई नहीं जाता। लेकिन अगर आप आरू वैली जा रहे हो तो वो जो जगह है आरू वैली जहाँ हॉर्स राइड करके जाते, वहां पे आप ज़रूर जाना। अभी ज़्यादा बारिश हो चुकी है और हम सब भाग रहे हैं, मजा आ गया। बस हमारी इस ट्रिप में हमें सिर्फ भीगना ही बाकी था, बाकी सब एंजॉयमेंट कर लिया, मजा आ गया। हम जल्दी से हमारी घड़ी तक पहुंच जाते और निकलते हैं यहाँ से। वापस आने के बाद इवनिंग के टाइम पे हम वॉकिंग करते हुए पहलगाम विजिट करने निकले थे, और मेरे हिसाब से ये हमारा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। अगर आपके पास भी समय हो तो ये मौका हाथ से मत जाने देना, और पहलगाम विलेज को बाय वॉक जरूर एक्सप्लोर करना। तो अभी मैं निकला हूँ पहलगाम, जो है उसका लोकल जो साइट सीइंग है, मतलब लोकल मतलब ऐसा समझ लो कि जो प्योर विलेज है, वहाँ पे मैं ऐसे इवनिंग के टाइम पे चलते हुए जा रहा हूँ। और सच बोलूँ ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज लग रहा है। शायद मेरे ख्याल से दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस टू एक्सप्लोर दी प्योर विलेज। तो चलिए मेरे साथ साथ में देखते हैं ये खूबसूरत विलेज। तो ऐसे ही ये विलेज एक्सप्लोर करते हुए मुझे मिली है बहुत ही खूबसूरत जगह। एक छोटा सा ब्रिज है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और यहाँ पे ये है लिदर रिवर जो फुल फोर्स में बह रही है। सच में बहुत ही खूबसूरत जगह है, और सनसेट का टाइम मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू इन इवनिंग। तो चलिए देखते हैं खूबसूरत जगह। पहलगाम में 2 दिन स्पेंड करने के बाद और बहुत सारे ब्यूटीफुल लोकेशन वैलीज को एंजॉय करने के बाद, पहलगाम मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेस इन द कश्मीर बन चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको वीडियो देख के पता चल ही गया होगा। तो एबीसी वैली से चंदनवारी वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन इन कश्मीर। यहाँ पे तो आपको आना ही चाहिए, बहुत ही अच्छी जगह है। सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। लेकिन मैंने ट्राई किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा पाऊँ। तो अभी बारिश
होने वाली है ऐसा लग रहा है, और वैसे भी पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है। तो हम जल्दी से जाते हैं रिटर्न, अभी लंच का भी टाइम हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं, तो जल्दी से जाते और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कश्मीर सीरीज के। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।